हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे हमेशा की तरह। तो गाइस, अभी है ना, हम आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज के दिन हम गए थे हमारे यहाँ बाजू में, हमारे कच्छ के अंदर कबराऊ माता जी का मंदिर है, वहाँ आप गए, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं मोगल धाम और यहाँ पे बीच में रुके अभी, और ये है सब लोग, यहाँ पे सब लोग फ्रेश होने के लिए रुके थे इस होटल पे। तो मैंने थोड़ा बहुत उसका भी आपको व्यूज दे दिया है। तो और इधर चाय नाश्ता किया, और आप देख सकते हो ऐसी कुछ थी होटल यहाँ पे। हमको है ना बहुत दूर है हमारे गांव से, तो बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत बीच में रुकना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे ये मेरी भतीजी है, वो हाई कर रही है, सब लोग हाई कर रहे हैं, इधर मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ। बस आगे हम दिखाएंगे आपको, आगे हम दिखाएंगे। आज हम होटल में आए हैं, चाय पानी करने वाले, नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे, फिर सब चले जाएंगे घर पे। नहीं अभी तो होटल में आए हैं। चलो बाय, फिर मिलते हैं। यहाँ हम कबराऊ मोगल माँ के धाम पहुँच गए थे, लेकिन बहुत ही भीड़ थी तब, महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही थी, और अंदर का कुछ शूट करने नहीं दिया था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था, आपको मैंने बाहर से ही दिखाया है। जो भी है वो आपको इसके वीडियो देख रहे हैं माता जी के, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे बाहर बहुत अच्छी अच्छी बाजार है, अच्छे अच्छे बाजार मीन्स के एक बाजार जैसा है, और अंदर बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं सब कुछ, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कटलेरीज, बर्तन वगैरह सब कुछ है इस बाजार पे। तो मैंने बाजार का थोड़ा बहुत शूट किया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा है, क्या क्या है। और यहाँ पे आपको धागे, जैसे धागे वो होते हैं ना, उसके बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। मैंने मेरी बहन को बोला था कि मेरा भी थोड़ा बहुत शूट कर दे, और बहुत ही रस था, बहुत लोग आए थे तब उस दिन महाशिवरात्रि के दिन, तो हमने जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना शूट किया था। फिर बहुत ही भीड़ थी, तो इसीलिए अच्छे से वीडियो शूट हो नहीं रहा था, लेकिन मेरे से जितना बन पाया मैंने उतना ट्राई किया था, और मैंने आपको ये दिखाया। तो आप भी कभी आना, और ऐसी अंदर घड़ियाल्स एंड ये हार्स की और सब कुछ था इधर, तो हाँ। मैंने थोड़ा बहुत इधर भी आपको दिखाया। और यहाँ उस माता जी के बाजू में ही हमारे एक महादेव का मंदिर था, तो वहाँ भी गए थे तब महाशिवरात्रि के दिन, और मैंने आपको ये दिखाया। ये है राधा कृष्णा का मंदिर है, तो आपको मैं यहाँ भी ले आई थी। और यहाँ पे गरीबदास की समाधि है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, देख सकते हो, ये रही, आप देख सकते हो। तो मैंने इधर है ना अंदर का शूट किया था, क्योंकि इधर इतनी पब्लिक नहीं थी और इतना रस नहीं था इसी वजह से। और यही है महादेव का मंदिर। तो और इधर है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो ये लेक आपको दिख रहा है उसके अंदर है ना सांप दिखते हैं ऐसे ही, तो हम वो भी देखने गए थे कि इधर जो सांप हैं वो कुछ नहीं करते हम लोगों को, तो वो भी देखने गए थे। लेकिन उस दिन हमको कोई भी सांप दिखा नहीं था, लेकिन काचबा बोलते वो दिखा था। और ये सब ऐसा कुछ है समाधि जो जिसकी गरीबदास जी की है, वो हमने यहाँ पे सब देखा, दर्शन किए। फिर उस इसके पीछे मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसा था, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको आगे का मैं दिखाऊंगी, ठीक है? यहाँ पे हम दोपहर को गए थे, तो बहुत ही धूप थी, और इधर है ना कुछ अभी इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर है ना सब लोग जो मुमरा होते हैं वो डालते हैं खाने के लिए, आते हैं काचबा एंड बत्तख एंड सब वो आते हैं, तो वो इधर सब लोग बिस्किट वो डालते हैं, तो इधर दिखते हैं काचबा दिखे, बत्तख दिखे, और हमको है ना सांप नहीं दिखे। बोलते हैं कि सांप इतने ज़्यादा है इस लेक में, और इधर इतनी
इसकी पहाड़ी है ना वहाँ तक ऊपर आ जाते हैं, फिर भी कुछ करते नहीं हैं। लेकिन मैंने ये पहली बार देखा था तो मेरे को बहुत एक्साइटेड थी कि हमको दिखेगा, लेकिन दिखा नहीं। लेकिन फिर कभी जाएंगे तो दिखेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो भी शूट करूँगी। तो आप ये लेक तो देख लीजिए, इसका आनंद लीजिए। ये जो हमने आगे मंदिर देखा उसके पीछे का ही है, तो ये उसके पीछे का लेक है। और यहाँ पे हम सब फिर वही होटल पे आए गए थे खाने के लिए दोपहर का। तो आपको मैंने थोड़ा बहुत इधर का भी दिखा दिया, फिर हम चले जाएंगे अपने घर। तो आज का दिन ऐसा ही बीता अच्छे से, और हमने माता जी के दर्शन किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।